हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियां, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिसेंट एडवाइज में। साथियों, आज हम बात करेंगे क्यू एंड ए के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन आया है जो कि मुझे लगता है जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है हमारे देश में और उन्होंने लोन ले रखा है, अगर उनसे लोन नहीं भरा जा रहा है तो उनका भी सिमिलर ही क्वेश्चन होएगा, तो उनका आंसर भी यही होगा जो इनका आंसर है। पढ़ते हैं इनका पहले क्वेश्चन क्या है। सर, गुड मॉर्निंग। सर, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, फैमिली प्रॉब्लम बहुत आ रही है, सैलरी 70,000 है और मैंने 4 बैंक से पर्सनल लोन लिया है और एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी खत्म हो गई है। मैं 4 महीने से लोन नहीं दे पा रहा हूँ, कृपया कुछ रास्ता बताओ। जीने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। भाई साहब, सबसे पहले तो जो मैं हर बार बात कहता हूँ कि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। अभी आप जिंदे हैं, गवर्नमेंट जॉब पे हैं, 70,000 पे अर्निंग कर रहे हैं, अभी आपके बच्चों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम पड़ रही है। अगर आप नहीं रहे तो, अगर आप पुराने लगे होंगे तो आपकी वाइफ की आधी इनकम हो जाएगी 35,000। जब 70,000 में ही नहीं खर्चा चल रहा है तो भाई साहब 35,000 रुपये में कैसे चलेगा। पहले अपने बच्चों की तरफ देखें तो आपके मन में ये ख्याल नहीं आएगा, क्योंकि आपके अलावा आपके बच्चों को जो लाइफस्टाइल आपने अपने बच्चों की मेंटेन कर रखी है वो ना तो आपका सगा भाई कर पाएगा और ना ही आपका सगा साला कर पाएगा। तो इनके अलावा दुनिया में वो रिश्ते जो हैं वो सभी नाम के हैं, वो कोई नहीं करेगा। आप मैच्योर आदमी होंगे तो दुनियादारी को समझ सकते हैं। अब सवाल ये रहा कि आपके 4 पर्सनल लोन हैं, एक क्रेडिट कार्ड की भी लिमिट खत्म हो गई है, आपसे वो पे नहीं किए जा रहे, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप गवर्नमेंट जॉब पे भी हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आम आदमी के पास अधिकार हैं वही गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पास भी वही अधिकार है जो हमें संविधान ने दिए हैं। सबसे पहले तो आप अपराध बोध से पीड़ित ना हो, क्योंकि आपने कोई ये क्राइम नहीं किया है लोन ना देके, लोन डिफॉल्ट होना है कोई क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं है। दूसरी बात, अरे यार ये 1,000 करोड़ रुपए लेके भागे नीरव मोदी, विजय माल्या, इनका क्या कर लिया भाई बैंकों ने, NBFC कंपनी ने भी, किसी ने भी, जिससे आपने लोन ले रखा है। आपके सारे अनसिक्योर लोन है। अनसिक्योर लोन के टॉपिक पे मैं वीडियो डाल चुका हूं, आप उसको देख ले, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बैंक के राइट्स क्या हैं और आपके पास क्या अधिकार हैं। लोन का डिफॉल्ट होने से आपके जो कॉमन मैन होने के नाते आपको अधिकार दिए हैं संविधान ने, वो खत्म नहीं हो जाते। अब अगर आपसे किस्त नहीं दी जा रही तो ये मैक्सिमम आपके साथ क्या कर सकते हैं, आपके खिलाफ सिविल का केस करेंगे यार, आपकी आर्बिट्रेशन कर देंगे जैसे आप गवर्नमेंट जॉब हो। तो आर्बिट्रेटर क्या कर सकता है, मैक्सिमम वो आपके जहाँ पे आप जॉब करते हैं उनको आदेश दे सकता है कि भाई 50% इस आदमी की सैलरी काट के हमें दे दी जाए। अब सवाल ये आता है कि आपके तो 4 लोन हैं और एक क्रेडिट कार्ड है, इसका मतलब 5 बार आर्बिट्रेशन होगी आपकी, हो सकती है, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब पे हो, आपके साथ तो मुझे लग रहा है 90% चांस है कि आपकी आर्बिट्रेशन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनको पता ही है कि आदमी गवर्नमेंट जॉब पे है। अब सवाल ये आता है कि 5 आदमी आर्बिट्रेशन करेंगे और 5 आर्बिट्रेटर 5 बार आदेश देंगे 50-50% कटने के, तो ये तो 250% कट गई यार, 70,000 का 250% कितना हो गया, ये तो हो गया भाई साहब 2.25 लाख रुपए। तो 2.25 लाख रुपए तो आपकी इनकम ही नहीं है, 70,000 रुपये इनकम है। तो कितने भी आर्बिट्रेटर कितना भी आर्बिट्रेशन कर ले, चाहे आपके 5 लोन और हों, 10 लोन और 10 आर्बिट्रेटर आपके आदेश दे दे, मैक्सिमम आपकी सैलरी 50% काट सकते हैं। 5 आर्बिट्रेशन हो जाएगी तो 5ों मिला के आपके 35,000 रुपये कट सकते हैं, उससे ज़्यादा 1 रुपये नहीं कट सकता। तो ज़्यादा मानसिक परेशानी ना ले, बुरा टाइम आया है ये भी निकल जाएगा। तो और किसी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो दोबारा से आप कमेंट कर सकते हैं। कृष्णा, सर मैंने बहुत परेशान है, मेरा 3 पर्सनल लोन चल रहे हैं, जॉब नहीं होने के कारण ही मैं नहीं दे पा रहा हूं, सर क्या करूं। भाई साहब, जो आपकी प्रॉब्लम है वो आज करोड़ों आदमियों की प्रॉब्लम है,
क्योंकि 12.25 करोड़ आदमियों की जॉब जा चुकी है प्राइवेट वालों की। ये एक सर्वे बताता है हमारे देश का कि 12.25 करोड़ आदमियों की जॉब जा चुकी है। अब जब जॉब ही जा चुकी है तो भाई जब किस्त कहाँ से देंगे। तो आप इतना ज़्यादा हरास न हो, इतनी ज़्यादा मानसिक परेशानी ना लो, क्योंकि जो आपके साथ प्रॉब्लम है वो करोड़ों आदमियों के साथ प्रॉब्लम है, एक आदमी नहीं हो आप। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनपीए पे रोक है, जब तक एनपीए पे रोक आपके खिलाफ है, सिविल का भी केस नहीं कर सकते। और आपके सारे पर्सनल लोन है तो सारे अनसिक्योर लोन है। अनसिक्योर लोन के टॉपिक पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसको देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप दमारा से कमेंट कर ले। और एक बात और ध्यान रखें हमेशा जिंदगी के अंदर, अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपका तो शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता यार। ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी वाले क्या कर लेंगे आपका, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। फिर कोई दिक्कत परेशानी आए दोबारा से आप फिर कमेंट कर लेना। श्रीनाथ मांजरे, थैंक्स सर फॉर एडवाइस। सर मेरा क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करने को बोल रहे हैं बट मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। उनको बोला कि नेक्स्ट मंथ में करूंगा बट वो नहीं मान रहे और फोर्स कर रहे हैं, मैं क्या करूं, हेल्प कीजिए प्लीज। भाई साहब सबसे पहले तो आपको सेटलमेंट करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप सेटलमेंट कर लेंगे तो ये अभी तो आपसे कम पैसे ले लेंगे सेटलमेंट के टाइम पे, लेकिन ये फ्यूचर में आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे, फ्यूचर में सिविल खराब कर देंगे आपका, बहुत ज्यादा धड़ाम से नीचे गिरेगा। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी फ्यूचर में आपको लोन नहीं देगा। फिर भी आपको अगर करवाना ही सेटलमेंट है, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, तो सेटलमेंट के टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूं, आप उसको देख ले। आप खुद से ना बोले कि मैं अगले महीने करूंगा, आप इनको अगर सेटलमेंट करवानी है तो आप सिर्फ एक शब्द बोले कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, बस दैट्स ऑल भाई, जो दौतर पैक कर ले और वो सेटलमेंट की वीडियो देख ले, तो आपका 20 से लेकर 80% के बीच में कहीं भी आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। मतलब आपका 2 लाख रुपए है तो आपका 40-50-60 हजार रुपए में भी इजिली हो जाएगा, जिस तरीके से मैंने सेटलमेंट में बता रखा है सेटलमेंट वाली वीडियो में। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आए दोबारा से आप कमेंट कर सकते हैं। बप्पी अहमद, सर नमस्ते, अगर मैं पुलिस वाला लोन रिकवर एजेंट के साथ घर आए तो क्या करें, प्लीज बताएं, पुलिस वाले को क्या बोलूं, बोलिए प्लीज। देखो बप्पी जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका किसी भी तरह का लोन हो, सिक्योर लोन हो, अनसिक्योर लोन हो, सारे देश के किसी भी बैंक के एनबीएफसी कंपनी से ले रखा हो, तो इसमें पुलिस का कोई रोल ही नहीं है यार। आपकी एफआईआर नहीं दर्ज हो सकती कहीं भी किसी भी स्थिति में, तो ये आपके ऊपर वो पुलिस वाले आएंगे कैसे उनके साथ। भाई साहब ये तो जो 99% 54 छाप रिकवरी एजेंट है, इन्होंने बकवास और हरास करने का ठेका ले रखा है लोगों का, ये बकवास करेंगे ही करेंगे, आप इनसे डरे नहीं। आपका सवाल यह है कि भाई कोई पुलिस वाला आए तो मैं उसको क्या बोलूं, अरे पुलिस वाला आ ही नहीं सकता यार, बोलना क्या है यार, कोई नहीं पुलिस वाला आ सकता इनके साथ। जो पुलिस वाला कोई आ गया इनलीगल तरीके से, उसका ही पर्चा दर्ज हो जाएगा, सीधा एसपी साहब के पास उसकी कंप्लेंट करते हो, भाई ये इनलीगल तरीके से मेरे पास आ रहा है या मेरे पास फोन कर रहा है। पुलिस के पास कोई राइट्स नहीं है किसी के पैसे निकलवाने के, क्यों भाई, जब आपने लोन लिया था कोई पुलिस वाला गारंटर था उसके बीच में, जो पुलिस वाला पैसे दवाएगा आपके, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ इनके पास राइट्स हैं आपके ऊपर कोर्ट में केस करने के, लेकिन अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनपीए पे रोक है, जब तक एनपीए पे रोक है ये आपका कुछ नहीं कर सकते। जब एनपीए से रोक हटेगी तो ये आपके खिलाफ सिर्फ एक कोर्ट में केस करेंगे, पुलिस में फिर भी केस नहीं कर सकते। दो स्थिति में सिर्फ पुलिस आ सकती है, आपको फोन कर सकती है, विलफुल डिफॉल्टर हो, या तो आप मतलब Q7 टॉप मॉडल लेके घूम रहे हैं 80 लाख रुपए की 70 लाख रुपए वाली, और आपने देने इनके 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए हैं, तो आप विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में आ जाएंगे कि आदमी जानबूझकर ठगी की नीयत से मारे पैसे नहीं दे रखा, पैसे तो इसके पास हैं, तो फिर आपका पर्चा दर्ज हो सकता है, या आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स इनको दे रखे हो जब आपने लोन लिया था तो आपकी एफआईआर दर्ज हो सकती है। लेकिन जो कॉमन मैन है, ना तो उसके पास Q7 है वो 80 लाख रुपए वाली, और वो 2 लाख रुपए नहीं दे पा रहा है, ना तो ये ऑप्शन है और ना ही उनने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दे रखा है।
अगर वो फेक डॉक्यूमेंट्स देता भी है तो एफआई करते हैं यार फील्ड इन्वेस्टिगेशन इनको, तभी पता लग जाता है, लोन देते ही नहीं उसको। तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपका पर्चा या एफआईआर सारे देश के किसी भी कोने में, किसी भी तहसील में, किसी भी चौकी में, थाने में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। जब एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, किसी भी पुलिस वाले के पास आपके घर आने की तो पावर है ही नहीं, उसके पास आपके पास फोन करने के भी राइट्स नहीं है। अगर वो करता है अपने पद का दुरुपयोग करता है, उसकी रिकॉर्डिंग करके सतानी एसपी साहब के पास उसकी कंप्लेंट कर दीजिए। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को हो तो आप उनके पास मेरी ये वीडियो शेयर कीजिए। आपको कोई दिक्कत परेशानी किसी भी विषय पे डिसेंट एडवाइस चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। नमस्कार।